एजेंट मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फूड जिसका इस्तेमाल हम सब रोजाना करते हैं, जिससे हमारा जिस्म बढ़ता है, उम्र के साथ हमारी लंबाई बढ़ती है। अरे यशवंत साहब, ये मिठाई का डब्बा किस लिए? दरअसल मेरी बेटी का मेडिकल में दाखिला हो गया है, उसी की मिठाई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी पेंटिंग स्कूल के सारे बच्चों के बीच में दिखाई जाएगी और मैं छा जाऊंगा। कुलसुम? हाँ। सुनो, हमने यूसुफ को पूरे घर में देखा लेकिन छत पे नहीं देखा। इस वक्त रात में छत पे क्या करेगा वो? अरे अरे बाबा, एक बार देख लेने में कोई हर्ज है क्या? ठीक है, चलिए चलिए। यूसुफ, यूसुफ जी अबू, तुम यूसुफ बेटा, मेरा बच्चा, तुम यहाँ क्यों चले आए? हम पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जाने कब से मैं और तुम्हारे अबू हर जगह तुम्हें तलाश कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में, लॉबी में, किचन में, कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। तुम्हारे अबू तुम्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर भी गए। मैं के पापा को भी फोन किया, मारे हर दोस्त को फोन किया। मैं तो जान ही निकल गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? हाँ, हर जगह तुम्हें तलाश किया और तुम यहाँ हो इस काली अंधेरी रात में, तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे? एक चीज तुम ये बताओ कि इतनी रात में यहाँ खामोशी के साथ बैठ के क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ क्या कर... ये क्या है? क्या मतलब है इसका? मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब है इसका? रात पे हमारा आसमान इसी तरह दिखाई देता है, इसमें चांद और तारे भी दिखाई दे रहे हैं। ये काम बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को इत्तला दिए, यहाँ पे अकेले बैठ के किया जा रहा है? अब्बू, आपने उस दिन वो मेरी आसमान वाली पेंटिंग फाड़ दी थी ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा उसे तैयार कर रहा हूँ। अच्छा अब्बू, अब्बू आपने क्या किया? अब्बू मैंने ठीक किया, जो पहले किया था फिर किया। ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने बहुत गलत किया। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। क्या मतलब? मैं नहीं चाहता कि मेरा यूसुफ पेंटर बने या फिर एस्ट्रोलॉजर की तालीम हासिल करे, समझ गई? फिर आखिर आप चाहते क्या है बताइए। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूसुफ डॉक्टर यूसुफ बने, डॉक्टर यूसुफ, समझ गई? अब
आज सबसे बड़ा मसला यही है। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं, मेहरबानी कर वाज़ह तौर पर बताइए। मेरे कहने का मतलब है कि वालिदैन ही फैसला करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगा, किस तरह की पढ़ाई करेगा, किस शोबे में जाएगा। हाँ असलम सर, आजकल ऐसा ही हो रहा है, बल्कि मेरे पास ऐसा एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं। ना तो वो अपने बच्चों की ज़हनी सलाहियतों का मुताला करते हैं और ना ही उन्हें कोई मौका फराहम करते हैं, बस अपनी सहूलत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी का फैसला कर देते हैं। असलम सर, आप करीम साहब को जानते हैं? डॉक्टर करीम अहमद? यस सर। जिनका बेटा मीज़ान इस स्कूल का तालिबे इल्म है? यस सर। एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान उनसे तफसीली बातचीत हुई थी, उस दौरान उन्होंने ये कबूल किया कि उनके बेटे मिजान को डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं है, उसने कभी भी डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर फिर भी चूंकि वे खुद डॉक्टर हैं और उनका एक ही बच्चा है, वे किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। देखा, देखा आपने, मिसाल आपके सामने है, ये तो इसी स्कूल में है, क्या बताया जाए। मुझे तो समझ नहीं आता कि वालिदैन को कैसे समझाया जाए। अरे यास्मीन साहिबा, मोहतरमा, बताइए, आप ही कुछ बताइए, कुछ तो रोशनी डालिए। सर आप हमारे सीनियर हैं, आप ही कोई वाज़ह रास्ता दिखाइए, हम सब फॉलो करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वालिदैन की ज़हनियत ज़रूर बदलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, कई मसलों पर मबनी है, लेकिन मैंने पहली स्टेज की शुरुआत कर दी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मैं पहले बच्चों के मासूम जहन को समझना चाहता हूँ। इसके लिए आपने क्या किया है असलम सर, मुझे भी तो बताइए। सभी को मालूम है, मेरा मतलब है सभी बच्चों को मालूम है कि मैंने सिर्फ एक एक ड्राइंग शीट सभी बच्चों को दी है। और फिर? फिर क्या, वो सभी बच्चे अपने अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक उस पर एक एक पेंटिंग बनाएंगे। बच्चों अपने अपने ड्राइंग शीट निकालिए। फौजिया आप जाकर सबकी ड्राइंग शीट कलेक्ट कर लाइए। यूसुफ, क्या बात है यूसुफ, तुम्हारी तबीयत खराब है? कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है। अरे अरे यूसुफ, इसमें इसमें रोने की क्या बात है बेटा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। तुम बेटा तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं पढ़ने नहीं चाहता सर, मैं नहीं पढ़ना चाहता। यूसुफ, यूसुफ, अरे यूसुफ सुनो, यूसुफ, यूसुफ, अरे यूसुफ क्या बात है बताओ मुझे। यूसुफ मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम रो क्यों रहे हो तो मुझे पता कैसे चलेगा। सर ड्राइंग शीट में मेहनत से सोच समझ कर पेंटिंग बनाई थी। शाबाश, वेरी गुड, फिर क्या हुआ? पर सर मेरे अब्बू ने उस ड्राइंग शीट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे पाड़ कर फेंक दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक शीट और दे दूंगा, तुम फिर बना कर ले आना। नहीं नहीं सर, अगर अब्बू को पता चल गया तो मुझे और डांटेंगे। अच्छा ये बात है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अब्बू ने तुमसे कहा क्या? जी
वो ये कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरा यूसुफ कोई पेंटर बने या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर। सर, दरअसल अब्बू ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, लोगों की मदद करूं। ओके, शाबाश बेटा, तुम क्लास में जाओ। नहीं सर, मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा सर, क्योंकि सर क्लास में मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना मेरे होनहार स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस बर्बादी के जिम्मेदार होंगे उसके वालिदैन। मिस्टर असलम, मैं आपकी सारी बातों को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सीरियस मैटर है। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसके मुस्तकबिल का सवाल है। आई अंडरस्टैंड मिस्टर असलम। मैंने अभी आपसे क्या कहा? सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि यूसुफ के फादर मिस्टर जुनैद खान ने वो ड्राइंग शीट फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जो उसे स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। सर, यूसुफ ने मुझे सब कुछ बताया है। ये क्या तरीका है सर, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर यूसुफ के फादर जुनैद खान ने ऐसी कोई हरकत की है तो मैं 100% आपके साथ हूँ मिस्टर असलम, मैं 100% आपके साथ हूँ। सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो टीचर्स किस तरह बच्चों को बेहतर और सिस्टमैटिक ढंग से तालीम फराहम करेंगे? अरे, आप अपने बच्चे को क्या तालीम दिलाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, मेरा मतलब है डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ये आपका जाती मामला है, लेकिन कम से कम हमारे काम करने के तरीकों पर तो लगाम लगाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, आप लोग बैठिए, आइए बैठिए। मैडम, आपके पास जुनैद खान साहब का नंबर होगा? जी हाँ सर, है। जरा देखिए। ये सर, ये रहा। हाँ, फोन मिलाइए। ये तो यूसुफ के स्कूल से फोन है। हेलो। हेलो, जी जुनैद साहब बोल रहे हैं? जी, मैं जुनैद खान बोल रहा हूँ। जी, एक मिनट। हेलो, मैं अशोक चौधरी बोल रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, क्या हुक्म है हमारे लिए? मैं ये कहना चाहता था, क्या आप स्कूल तशरीफ ला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कब पीटीएम है? पीटीएम में आना तो जरूरी है और मैं हमेशा ही पीटीएम में आता हूँ। नहीं, पीटीएम तो अगले महीने के लिए फिक्स हुआ है। अच्छा, तो फिर किस लिए मुझे आना है, कोई खास बात तो नहीं? यूसुफ के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ यूसुफ को? अरे, उसे क्या होगा, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। यस सर, ये इंटरेक्शन कितना जरूरी है ये मैं समझता हूँ। हाँ, तो क्या आज आप स्कूल आ सकते हैं? सर, आज तो थोड़ा मुश्किल है, कल तक के लिए मोहलत दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, आप कल आ जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं कल आपका इंतजार करूँगा। जुनैद खान साहब कल आएंगे, फिर उनके साथ तफसील से बातचीत होगी। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है।
ये आप कैसी बात करते हैं? ये इस बात की तस्दीक है कि मिस्टर असलम अपने स्टूडेंट्स और उनके वालदेन की मुफाद की बात करते हैं, उनके रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं। मिस्टर असलम, मुझे और पूरे स्कूल को आप जैसे टीचर पर फख्र है, यह बात मैं खड़े होकर कहता हूं। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे टिफिन का वक्त खत्म हो गया है क्या? नहीं सर, अभी 15 मिनट बाकी हैं। तभी बाहर इतना शोर सुनाई दे रहा है। रात की बात को जब याद करती हूँ तो चक्कर आ जाता है। इस तरह यकायक घर से बच्चे का गायब हो जाना कितना तकलीफ दे होता है कोई मुझसे पूछे। हाँ, मयंक के पापा सभी बातें बता रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई साहब की परेशानी को बयां नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या था? उसके बाद दूसरे ही दिन यूसुफ स्कूल में बहुत रोया और स्कूल बैग लेके क्लास से बाहर आ गया। क्लास टीचर से कहने लगा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। टीचर ने बहुत समझाया, तब जाकर वो क्लास में दोबारा दाखिल हुआ। आपको ये सारी बातें मयंक के जरिए मालूम हुई होंगी? हाँ, वरना मुझे कौन बताता? मयंक ने ही मुझे सारी बातें तफसील से बताई। यूसुफ ने ऐसा क्यों किया, ये बात अब मुझे समझ में आ रही है। कुलसुम, आखिर बात क्या है? यूसुफ को लेकर कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुछ बात तो जरूर है। हालांकि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन तुम लोगों के साथ हमारे फैमिली ताल्लुकात हैं, तो मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे सभी बातें बताओ। हाँ, अगर बताने लायक हो तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। दरअसल मसला इतना सीरियस नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। दरअसल बात ये है कि मेरे शौहर यूसुफ के मुस्तकबिल को अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं। उसकी दिलचस्पी को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे, वो तो उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सारे वाक्यात की ज़मीनी सच्चाई यही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज के दौर में खासकर यूसुफ जैसे होनहार बच्चे के लिए ये बेहद खतरनाक है। तुम्हें अपने शौहर से बात करनी होगी। कोशिश जारी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोगों के बच्चे जिस स्कूल में तालीम ले रहे हैं वहां पर खासकर इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है, तो तुम्हें भाई साहब को समझाना ही होगा। अरे, किसको निशाना लगा रहे हो? अरे, तुम कब आई? बहुत देर पहले। तुम तो अपने गुलेल चलाने में मस्त थे, तुम्हें तो अपना ख्याल ही नहीं था। और बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तक पानी ही पी रहे हैं क्या? आ रहे होंगे। पता नहीं असलम सर ड्राइंग शीट का क्या करेंगे। मुझे नहीं मालूम, मेरे दिमाग मत खराब करो, जाकर असलम सर से पूछ लो। लो, आ गए स्कूल का पूरा पानी पीकर, जिनके इंतजार था वो आ गए। और भाई ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? चोट को छुपाना अच्छी बात नहीं होती। बताऊंगा, तुझे भी बताऊंगा। अरे क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। तुम लोगों ने मुझसे राज क्यों रखा हुआ है? ये तो बहुत गलत बात है। टॉप सीक्रेट है फौजिया, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पूछना, सुन लिया? अरे कोई बात नहीं है, आज मयंक ने मुझे गिरा दिया था, बस उसी के बारे में पूछ रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये एडवेंचर मयंक ने किया है? बहुत अच्छे, मैंने ही तुम्हें बताया और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। दिस इज नॉट फेयर।
अरे ठीक ही तो कह रही है, वैसे वो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। दूसरा एडवेंचर अब इस गुलेल से होगा। गुलेल ना? तो दोस्तों इस एडवेंचर के लिए प्लीज तैयार हो जाओ। चुप रहो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अगर आदिल कहे तो मैं कहूँ? क्या बात है, जल्दी से बताओ। अगर इस गुलेल का सही इस्तेमाल करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी टकले का सर फोड़ना चाहिए। तुम्हारा तो नहीं, मैंने टकला खाए। तो ऐसा करते हैं, पहले से टकला कर देते हैं, फिर इस पे निशाने लगाएंगे। तुम लोग बकवास की बातें कर रहे हो, कुछ काम की बात नहीं कर सकते हो क्या? बताओ। कोई बात नहीं, तुम ही काम की बात बता दो। हमें उस चोर पर निशाना लगाना चाहिए जो हमारी बॉल चुराता है। कैसे रहेगा? कौन, वो आइसक्रीम वाला? हाँ हाँ वही तो। ख्याल तो अच्छा है, पर अभी तुम आगे निशाना लगाओ। अरे घंटी बज गई। घंटी बज गई, चलो चलो, चलो। आदिल प्लीज स्टैंड अप। यस सर। गुलेल कहाँ है? मैं कुछ कह रहा हूँ आदिल, मुझे मालूम है कि गुलेल तुम्हारे बैग में है, ला मुझे। तुम स्कूल के बाद आप इसे कलेक्ट करना और आइंदा कभी भी। यस सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गुड, बहुत अच्छे। गुलेल चलाते वक्त अगर पत्थर दूर नहीं गया तो समझो कि आपको गुलेल चलाना नहीं आता। गुलेल से निशाना लगाते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताओ यूसुफ। यस सर। सर गुलेल से निशाना लगाते वक्त हमें यह याद रखना चाहिए कि पत्थर किस तरफ है और किस एंगल में है। हाँ, जितनी जोर से हम खींचेंगे उतनी जोर से पत्थर दूर जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, जोर से खींच कर पत्थर फेंको, वरना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा अभी कुछ देर पहले आदिल के साथ हुआ था। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी जोर से खींचता था और पत्थर यहीं गिर जाता था। इस गुलेल की रबर बहुत ढीली है। सर इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। जोर से खींचा था, वहां जा सकती है जो आप चाहते हैं ना सर? क्या मतलब यूसुफ, बताओ। यस सर। सर अगर गुलेल की इलास्टिसिटी कम होगी तो उसमें जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर रबर कमजोर हुई तो वो टूट जाएगी। गुड, बहुत अच्छे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू सर। अच्छा अब गुलेल की बातें बहुत हो गई, आदिल स्कूल के बाद आप इसे कलेक्ट करना और आइंदा कभी भी। यस सर, मैं समझ गया। गुड, बहुत अच्छे। अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं, सबसे पहले होमवर्क प्लीज। Yeah.
प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाए एक नया रेवोल्यूशन, एक घंटे में 10 मुलाकातें। अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ।